द्रौपदी जी कैसे हमारे देश की राष्ट्रपति बन गई, लेकिन राष्ट्रपति कब बनी? जब समय आया, उससे पहले कष्ट भी भोगे। तो उन्होंने देख के कहा कि इनका एक राजयोग आ रहा है और ये राष्ट्रपति बनेंगी। मैं लोगों से इस एंगल से शेयर करूं कि ये सब कुछ कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय के अंदर अंदर है। उनके शनि इतने अच्छे कैसे हो गए, उनके गुरु इतने अच्छे कैसे हो गए, उनके चंद्रमा इतने अच्छे कैसे हो गए? तो धार्मिक बहुत ज्यादा, समर्पित भाव से, और साथ में ये राजयोग। उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए ये उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। प्रधानमंत्री और किसी को चुन ही नहीं सकते थे, वो जो मर्जी चाहें, जो मर्जी सोचें, उनको इनको ही चुनना पड़ना था। ये सब कुछ आपके कर्मों के मुताबिक जो आप करके जाएंगे यहां से, आप भक्ति कर लें, पुण्यदान कर लें, सेवा कर लें, जो भी, तो उसके मुताबिक आपकी कुंडली बन जाएगी, आपके ग्रह बैठ जाएंगे, आपका जन्म होगा, आपका भाग्य होगा। न पति का सुख, न बच्चों का सुख, जो सांसारिक सुख हैं, उनसे वंचित रह जाएंगी ये। हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं नेक राह पे चलने के साथ। आज आपके सामने ये सारी बातें हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कल मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं ईश्वर का रूप हो जाऊं, मैं महापुरुष हो जाऊं, देवी देवता हो जाऊं, लोग मेरे पांव छुए, मैं दुनिया का सबसे धनाढ्य, जैसी भावना जिसकी है, जैसी मंशा है, वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं, जिनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, बस वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान, गुरु प्रेमियों। मैं अक्सर ये जिक्र करता रहा हूं और आज उसी टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन एक अलग नजरिए से, एक प्रमाण के साथ में। मैं अक्सर ये कहता हूं कि कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय, इसी के अंदर सब कुछ है। मैंने पहले एक एपिसोड में हल्का सा पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया था कि द्रौपदी जी कैसे हमारे देश की राष्ट्रपति बन गई। एक दलित परिवार में पैदा हुई, आदिवासी परिवार में पैदा हुई, बहुत कष्ट देखे, पति गुजर गए, संतान गुजर गई, और फिर धीरे धीरे उनकी यात्रा चलते चलते, और बहुत धार्मिक हैं, ईश्वर में उनका बड़ा विश्वास है। क्यों? पीछे ऐसे कर्म थे, भाग्य ऐसा है, ग्रह ऐसे हैं। लेकिन राष्ट्रपति कब बनी? जब समय आया, उससे पहले कष्ट भी भोगे अपने जीवन में। हमारे कुछ मित्र हैं, वैसे तो दुनिया भर में है, हमारी संगत भी है, लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ दिव्य दृष्टि वाले सज्जन हैं, तो उनसे अक्सर कुछ ना कुछ चर्चा होती रहती है। जब भी कभी उनका फोन आ जाए, मैं इस मामले में बहुत निकम्मा आदमी हूं, मैं फोन नहीं कर पाता हूं क्योंकि मैं ज्यादा व्यस्त रहता हूं, लेकिन उनका, वो दयालु हैं, मुझे फोन कर लेते हैं या संदेश, मैसेज वगैरह भेजते रहते हैं। तो ऐसे एक मित्र से मेरी बात हो रही थी, तो ऐसे चर्चा होने लग गई कि एक आदिवासी महिला, आपको लगता है एक तरफ यशवंत सिन्हा जी हैं, इतने ज्ञाता हैं, इतनी नॉलेज है उनको, इतने एजुकेटेड हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जुरत भी रखते हैं, सारा अपोजिशन तकरीबन उनकी मदद करने के लिए तैयार है, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वो उम्मीदवार हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इत्तफाक से इनकी, द्रौपदी जी की कुंडली देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो पुरानी बात कर रहे थे,
कोई 2.5-3 साल पुरानी। अब ये कैसे विधि बनी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन विधि बनी क्योंकि उनके अपने ग्रह खुद के बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए विधि बनी। तो उन्होंने देख के कहा कि इनका एक राजयोग आ रहा है और ये राष्ट्रपति बनेंगी। उनको यकीन नहीं आया कि कैसे। लेकिन जब ये बात शुरू हो गई, ये चर्चा शुरू हो गई, तब उन्होंने मुझे इस बारे में कहा कि मैंने आपसे जिक्र किया था ये राष्ट्रपति बनेंगी। मैंने कहा क्या आपने देखा था। अब मैं जिज्ञासु हूं, मेरा मकसद ये नहीं था कि उनका मुझे पता चल जाए और मैं लोगों से शेयर करूं, नहीं, मैं लोगों से इस एंगल से शेयर करूं कि ये सब कुछ कर्म, प्रारब्ध, भाग्य और समय के अंदर अंदर है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो कैसे, ये उदाहरण अगर आपके सामने आती है, उनके शनि इतने अच्छे कैसे हो गए, उनके गुरु इतने अच्छे कैसे हो गए, उनके चंद्रमा इतने अच्छे कैसे हो गए, उनके सूर्य इतने अच्छे कैसे हो गए, यानी तमाम ग्रह इतने अच्छे थे और फिर गोचर में भी वही आ गए शनि महाराज। तो धार्मिक बहुत ज्यादा समर्पित भाव से, और साथ में ये राजयोग, ये हमारे उन मित्र ने मुझे बताया। उन्होंने मना किया था, लेकिन मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए ये उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। अगर आप देखें उनकी दिनचर्या, उनका जीवन तो बहुत धार्मिक है। ये खुशी की बात है कि एक निहायत धार्मिक व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति हैं, क्योंकि जिसको उसका डर है, जो उसके भय में रहता है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति बना दिया क्योंकि बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे वीडियोस घूमते हैं कि उनको रबर स्टैंप चाहिए। पहले राष्ट्रपति के ऊपर भी लोग यही इल्जाम लगाते थे और कुछ वीडियोस भी घूमते थे जिनमें दिखाते थे कि राष्ट्रपति को इग्नोर किया जा रहा है, और यहां भी कुछ लोगों ने वीडियोस शेयर किए कि वहां पे राष्ट्रपति को जो जा रहे थे उनको प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया, ऐसा कुछ चर्चा चल रही थी। तो मैं ये कहूंगा, इसको इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं कि प्रधानमंत्री और किसी को चुन ही नहीं सकते थे, वो जो मर्जी चाहें, जो मर्जी सोचें, उनको इनको ही चुनना पड़ना था। अब इसका आधार बहुत पहले से बन गया कि वो बीजेपी में आ गई थी, क्योंकि ये सुनिश्चित था इतने साल बाद, पहले वो गवर्नर बनेंगी, गवर्नर बनने के बाद वो राष्ट्रपति बनेंगी, ये पहले से सुनिश्चित था, अन्यथा आप सोचिए कैसे। जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि भूल के भी गलत कर्म मत करना, बुरा कर्म मत करना, पाप कर्म मत करना, पीछे जो हो गया सो हो गया, हमने बुरे बोल लिया, बुरे कर्म कर लिए, हमको मालूम नहीं था, कभी ऐसी विधि नहीं बनी, लेकिन अब मत कर लेना। तो अब जब हम अच्छे कर्म करेंगे, बेशक हम कष्ट में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा बोएंगे, तो अगले जन्म में अगर हमको आना पड़ता है तो जब वो अंकुरित होगा तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। ये सब कुछ आपके कर्मों के मुताबिक जो आप करके जाएंगे यहां से, आप भक्ति कर लें, पुण्यदान कर लें, सेवा कर लें, जो भी, तो उसके मुताबिक आपकी कुंडली बन जाएगी, आपके ग्रह बैठ जाएंगे, आपका जन्म होगा, आपका भाग्य होगा। और उसमें समय, वो टाइमलाइन जैसे मैं कहता हूं कि फिल्मों में होती है, हम एडिटिंग करते हैं तो जहां घंटी बजनी, जहां ब्लास्ट होना, जहां पे थप्पड़ पड़ना, जहां जो भी होना है, वो उसी वक्त उसका इफेक्ट आएगा, ना उससे पहले ना बाद में, और अगर उसको आगे पीछे कर दो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो लॉक्ड है टाइमलाइन में, विजुअल और साउंड लॉक्ड है। लॉक ना हो तो सब आगे पीछे हो जाएगा, मुंह कुछ हिल रहा है, आवाज कुछ और आ रही, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इससे प्रेरणा हमको ये लेनी है कि उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से उनको एक आदिवासी, एक गरीब परिवार में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे कर्म भी किए थे जिनकी वजह से उनका जो संसारिक जीवन है उसमें उथल पुथल हो गई, पति का सुख नहीं रहा, बच्चों का सुख नहीं रहा, ये भी उनके कर्मों का, उनके भाग्य का हिस्सा है क्योंकि ऐसे कर्म किए। लेकिन साथ में
उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, इतना जप तप किया कि उनको ये संस्कार मिले और ऐसे ग्रह बैठ गए। हमारे वो मित्र ये कह रहे थे कि ये गजब है, ऐसा बहुत कम होता है, करोड़ों कुंडलियों में कहीं एक ऐसा होता है, ये अद्भुत है। मतलब वो खुद हैरान थे देख के कि ये तो बहुत रेयर है। अपने ढंग से वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे, इसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, स्वग्रही बैठा, ये भी स्वग्रही बैठा है, और ये इसकी महादशा चल रही है, और ये भी चंद्रमा, ये सारे ग्रह, ये कभी होता नहीं है। हाँ, शुक्र खराब है, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको देखते उन्होंने कहा कि न पति का सुख, न बच्चों का सुख, जो संसारिक सुख हैं उनसे वंचित रह जाएंगी ये, लेकिन आध्यात्मिक होंगी, बहुत गहराई तक आध्यात्मिक होंगी, इनको समझ होगी, सूझ होगी, और ये इनके भाग्य, इनके कर्म, इनका समय, जब वो राजयोग आया, वो पर्टिकुलर समय आया, तब विधि बनी और प्रधानमंत्री के दिमाग में आया कि इनको राष्ट्रपति बनाना चाहिए, इनका उसके लिए पॉलिटिक्स कुछ भी हो। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये हो क्या रहा हमारे देश में, ऐसे कई बार लोग बात करते हैं, या जहां भी दुनिया में क्या हो रहा है, तो मैंने कहा कि ईश्वर आपको सजा देने के लिए किसी और प्लेनेट से कहीं से लोग इंपोर्ट नहीं करते हैं, वो आप में से ही कुछ उस तरह के लोग जिनका भाग्य ऐसा होता है उनको खड़ा कर देते हैं, तैनात कर देते हैं आपको दंड देने के लिए। तो जो भी हमारे देश में मुरागर त्राहिमाम त्राहिमाम है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, अन्याय हो रहा लोगों के साथ में, तो ये हमारे कर्म हैं। हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम ईश्वर का नाम कितना जपते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, कितनी दया करते हैं, कितना उसका धन्यवाद करते हैं। हमको तो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु याद ही नहीं है, गॉड याद ही नहीं है। तो हमको सजा देनी थी, दंड देना था, तो हमारे अंदर से ही उन्होंने कुछ ऐसे बंदे खड़े कर दिए जिन्होंने बैंड बजा दी और बजा रहे हैं दबा के, और उनको लगता है कि वो कमाल कर रहे हैं, वो देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं, वो इतिहास रच रहे हैं। उनके भाषण सुनिए आप, लेकिन आप देखिए किस लेवल पे घटनाएं घट रही हैं, क्या हालत हो रही है, कैसे त्राहिमाम त्राहिमाम है, कैसे हम रसातल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनको लगता है। तो इस तरह से हमारे कर्म प्रारब्ध और भाग्य और समय के मुताबिक ईश्वर विधि बनाते हैं। तो यहां विधि बनाई, उनको सुझाया, ये तो इंटरनल मामला होगा, वो जानते होंगे कैसे बना होगा, लेकिन उन तक मैसेज पहुंचाया गया, और इवेंचुअली जो लोगों को लगता था कि असंभव है, ये कैसे हो सकता है, क्रॉस वोटिंग भी हुई और वो राष्ट्रपति बन गई, राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। अब आगे वो क्या करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि जो धार्मिक सज्जन है, जिसके ग्रह इतने अच्छे हैं, जिसकी ईश्वर में आस्था है, जो ईश्वर को मानती है, उसके दंड विधान को भी समझती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा किसी गलत फैसले के ऊपर दस्तखत करना। ऐसा मेरा मानना है, मैं कदाचित गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर वो बीजेपी में नहीं आती, उनकी एमएलए नहीं बनती, उनकी गवर्नर नहीं उनकी तरफ से बनती, तो राष्ट्रपति नहीं बन पाती। तो हर आदमी की अपनी एक जर्नी है, एक यात्रा है, ना उससे पहले ना बाद में, वो जब होना है तभी होना है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देख के निमित्त बनना शुरू कर दें, पाठ जाप मेडिटेशन शुरू कर दें, नेक बनना शुरू कर दें, अच्छे बीज बोना शुरू कर दें, दया करना शुरू कर दें, भक्ति करना शुरू कर दें, और निमित्त बनके जो भी हमारी समस्याएं हैं उनसे निपटने का प्रयास करें और उसका धन्यवाद करते रहें, ये याद रखिए मैजिकल है। तो हमारे कर्म अच्छे हो रहे हैं क्योंकि हम घिरे हुए हैं, इसलिए चर्चा हो रही है, इसलिए ईश्वर ने विधि बना के वीडियो आप तक पहुंचाया है। तो इस चर्चा से अगर बात आपकी पकड़ में आए और आप भी चाहेंगे कल मैं मंत्री बनूं, राष्ट्रपति बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, राजा बनूं, एमएलए बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, या धनाढ्य बनूं, या ईश्वर हो जाऊं, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं नेक राह पे चलने के साथ, अगर हम नेक राह पे चलते हैं, अन्यथा रसातल, अन्यथा मिट्टी, जहां से यात्रा शुरू हुई थी। इसमें वीडियो डाल चुका हूं कि धीरे धीरे हमारा डिमोशन होते 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 हम मिट्टी हो जाएंगे जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। इसमें बड़े पड़ाव हैं, मैंने इस पर वीडियो डाला हुआ है। अगर हम नेक राह पे चलते हैं, ईश्वर के राह पे चलते हैं, तो जैसे ये राष्ट्रपति बनी, कर्म प्रारब्ध
भाग्य और समय, हम भी राष्ट्रपति नहीं ईश्वर बन सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं, अल्टीमेट, लिमिटलेस। तो एक तो हम जब इन दुखों की, परेशानियों की वजह से, कष्टों की वजह से, बीमारियों की वजह से घिर के ईश्वर के नाम से जुड़ जाएंगे तो ये हमारा उद्धार होने लग गया, हमको सही रास्ता मिल गया, हाईवे टू सल्वेशन मिल गया, तरक्की का रास्ता मिल गया, अल्टीमेट तरक्की का रास्ता मिल गया। और दूसरा, हम कष्ट भोग रहे हैं स्वीकार भाव से, हमारा खाता क्लियर हो रहा है, क्लेंजिंग हो रही है, निपट जाने दो। मैंने भूपी जी का एग्जाम्पल दिया, एक वीडियो डाला हुआ है कि ब्रह्मज्ञानी और अज्ञानी में अपने कर्मों की सजा भुगतने में कितना फर्क है। उनके पास दिव्य दृष्टि थी, बड़ी बड़ी हस्तियों से, कलंदरों से वो बात करते थे, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि मेरा वो समय दूसरा आ गया सजा भुगतने का, तो सजा भुगत रहे हैं। कोई छुड़वाने जाए ना, आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। ये मैंने डाला हुआ है कि मुझे भुगत लेने दो भाई, अपना खाता खाली कर लेने दो मुझे, मैं दोबारा आना नहीं चाहता हूं। क्योंकि उनके पास दृष्टि थी, उनको मालूम था, स्वीकार भाव से भोग रहे हैं। उन नशेड़ियों में बैठे हुए ऐसे गुनाहगार की तरह, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त तरह, कीड़ों में ऐसे कीड़ा बना के बैठा देता है। गुनाहगारों की कतार में आपको बैठना पड़ेगा, क्या आप चाहेंगे? आज आपके सामने ये सारी बातें हैं तो कौन नहीं चाहेगा कल मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं ईश्वर का रूप हो जाऊं, मैं महापुरुष हो जाऊं, देवी देवता हो जाऊं, लोग मेरे पांव छुए, मैं दुनिया का सबसे धनाढ्य, जैसी भावना जिसकी है, जैसी मंशा है, वो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। जिसके बस में काम धेनु है वो मालिक, जिससे ऊपर को ना ही, गुरु नानक देव जी महाराज कि मैं उसकी शरण में पड़ गया हूं जिससे ऊपर कोई है ही नहीं। अगर पढ़ना है तो गुरु नानक देव जी महाराज की गाड़ी राह पे चलें, हाईवे टू सालेशन पे चलें, और उसकी शरण में जाएं जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, जो अल्टीमेट है। अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, अच्छी राह पे चलें, नेक बने, पुनर्दान करें, भक्ति करें, नाम जपते, चलते फिरते, आते जाते काम हाथ से करना है, मन में उसका नाम वाहिगुरु 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 हरिओम तत्सत अल्लाहु अकबर गॉड इज ग्रेट निरंतर करें, दोहराएं, उसको याद करें, कनेक्टेड रहें। और धीरे धीरे आप देखिएगा, जब इस संसार से जाना होगा, पहली बात तो मौत का भय नहीं रहता है, अपने घर जाने की जल्दी रहती है, जीते जी मुक्त होके जाएं, उत्सव होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। मैं बार बार कहता रहता हूं, जिनके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, बस वही लोग तुझे चाहने वाले होंगे तो मुस्कुराहट होगी। घर जाना है, बापू के पास जाना है, बापू का रूप होना है, उस होनहार विद्यार्थी की तरह, मेधावी छात्र की तरह, जिसने बहुत मेहनत की, रातों को जाग जाग के, सवेरे 3 बजे उठ उठ के मेहनत की, ट्यूशन रखे, सब छोड़ दिया, फिर वो रिजल्ट का इंतजार करता, देखूं कितने नंबर आए हैं, फर्स्ट आता हूं, स्टेट में फर्स्ट आता हूं, कंट्री में फर्स्ट आता हूं, बहुत कौतूहल होता है, इंतजार होता है। तो ऐसे ही जब हमने भक्ति की है, नाम जपा है, दया की है, पुनर्दान किया है, माफियां मांगी हैं और सेवा की है, तो जब खूब दिल से की है, मेहनत की है, कमाई की है, प्राश्चित किया है, तो फिर जब मृत्यु निकट आने लगती है तो भय नहीं होता, एक्साइटमेंट होती है, कौतूहल होता है, उस बच्चे की तरह, उस छात्र की तरह, मेधावी बच्चे की तरह, जिसने बड़ी मेहनत की है, सब कुछ छोड़ छाड़ के लगा हुआ था कि कितने नंबर आए, देखते हैं किस लेवल पे पहुंचते हैं, एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो परम आनंद की प्राप्ति तो मरने से मिलेगी, लेकिन ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए, हमको तो मरना भी नहीं आता है, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए, फिर मरना नहीं होगा तो ये संभव तभी होगा अगर जपेंगे भाई, भक्ति करेंगे, माफिया मांगेंगे, धन्यवाद करेंगे, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, दया करेंगे, नेक काम करेंगे, प्राचित करेंगे, पुनर्दान करेंगे, संतों की संगत करेंगे, हैं, ये करके देखिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगी बात, पकड़ में आएगी। ये लालच तो हमको सबको समझ में आता है कि ये तरक्की का रास्ता है, अल्टीमेट तरक्की का रास्ता है, प्रमोशन का रास्ता है, तो ये सोच के ही कर लेना
कि यार मुझे तो राष्ट्रपति बनना है, यार मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है, यार मुझे तो हिंदुस्तान का सबसे अमीर बंदा बनना है, कर लेना। तपो राज, राजो नरक, इस उद्यम ते राज मिले है, शत्रु ते सब होवन मीता। ये ऐसा उद्यम है, ये ऐसा रास्ता है, ये ऐसी कमाई है, इससे तो राजा बन जाता है, राजपाट मिल जाता है, शत्रु सब मित्र हो जाते हैं, सब अपने लगने लगते हैं, सारी दुनिया अपनी लगने लगती है, ये ऐसा रास्ता है। पतित पवित्र हो जाते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और वो इसका अनुसरण करते हुए इसे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं तो मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। ईश्वर हम सबका भला करे, दया करे, मेहर करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिलोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिलोन चैनल।